तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ट्विटर पे इस टाइम पे प्रभास के जो फैंस हैं और उन्होंने एक फैंस क्लब जो चला रखा है ट्विटर पे, और वो लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी अरेंज करवाते हैं, यानी कि प्रभास की फिल्मों का। अब दोस्तों, उनके जो पेज हैं ट्विटर पे, आप जाके चेक करेंगे उनके जो अकाउंट हैं, वहाँ पे उन लोगों ने दोस्तों एक मुहिम चालू कर दी है सलार के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की। यानी कि उनको ये लग भी रहा है, और देखो ये कंफर्म भी है कि मूवी 22 दिसंबर को आ रही है। तो यानी कि दोस्तों, प्रॉपर पूरी रिलीज डेट तो आ चुकी है इसकी। अब ये लोग आगे बढ़ चुके हैं उससे, और ये लोग अब उस मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये लोग अरेंज करवा रहे हैं। अब दोस्तों, बात है कि टाइम क्या होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो का फर्स्ट शो आप कब की सोच रहे हैं? क्या 7 बजे, 6 बजे? नहीं दोस्तों, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये लोग जैसे ही 22 दिसंबर स्टार्ट होगी रात के 12 बजे से दोस्तों, इन लोगों ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो का अरेंजमेंट करवाने की बात कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आप जाके प्रभास के फैंस क्लब पे, यानी कि ट्विटर पे बहुत सारे फैंस पेज बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आप चेक करो। उन लोगों ने ये दोस्तों शेयर करना शुरू कर दिया है कि हम लोग रात के 12 बजे से ही सलार का फर्स्ट डे फर्स्ट शो क्रिएट करेंगे और इसको अरेंज करवाएंगे। जो लोग देखने आएंगे और जो लोग नहीं भी देखने आएंगे दोस्तों, ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादातर जो सलार के यानी कि प्रभास के कट्टर फैंस हैं भाई, वो लोग तो आएंगे। देखो यार, सलार यानी कि प्रभास का यार, हम भी फैंस हैं सलार की। जो भाई एक जो मेकर्स हैं, उनकी जितनी भी मूवीज़ आई हैं यार, वो हमें भी अच्छी लगी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे एक्टर को बुरा कहें। मैं आऊँगा, मैं उस बात पे भी आऊँगा जो मैंने अभी बात करी है, पहले मैं ये बात को ख़त्म कर दूँ। यानी कि दोस्तों, सलार के जो जितने भी सपोर्टर हैं एंड प्रभास के जितने भी फैंस हैं, उन लोगों ने ये बोल दिया है कि भाई हम लोग इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो रात के 12 बजे से स्टार्ट करेंगे। अब ये तो हुई ये बात ख़त्म। दूसरी बात दोस्तों, मैं स्टार्ट करूं कि भाई ये है कि सलार क्या दोस्तों जो फैन पेज है, यानी कि इन्हीं के फैंस पेज पे एक न्यूज़ दोस्तों और आके दस्तक दे रही है। वो ये है कि सलार यानी कि प्रभास, उनका दोस्तों बर्थडे आ रहा है, यानी कि 23 अक्टूबर को। या तो उस दिन एक पोस्टर आएगा, या फिर दोस्तों 16 अक्टूबर यानी कि परसों क्या दोस्तों, आई थिंक भाई मंडे यानी कि कल ही है। तो अब इस दिन एक पोस्टर आने की संभावना है, या फिर ये लोग ट्रेलर रिलीज़ करेंगे 23 तारीख को, यानी कि 23 अक्टूबर को। और ये भी इनका कहना है कि ये यहाँ भी नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट मंथ यानी कि फर्स्ट वीक, नवंबर के फर्स्ट वीक में सलार का दोस्तों ट्रेलर आने की संभावना है, ऐसा इन लोगों का कहना है। ना तो कोई ऑफिशियली न्यूज़ आई है और ना ही कोई पोस्टर आया, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रभास के जो फैंस हैं, वो अपना जो फैंस पेज चलाते हैं, फैंस क्लब है उनका, वो लोग अपने आप में ये ट्वीट कर रहे हैं। देखो यार, मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर जो न्यूज़ें आती हैं वो फैंस क्लब के थ्रू ही आती हैं, अंदर से कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाती हैं। तो भाई सच भी हो सकता है, और मैं कहता हूँ सच ना भी हो, भाई कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक एक्सक्लूसिवली और एक र्यूमर्स हैं, इसको साइड करते हैं। अब दोस्तों, मैं बात करूँ डंकी की, सलार का दोस्तों क्लियर हो गया, अब मैं दोस्तों डंकी की बात करूँ तो भाई शाहरुख खान, देखो शाहरुख खान आज के टाइम पे एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हैं कि अगर वो एक छोटा सा ऐड भी सिनेमा हॉल में रिलीज़ करें अपना, एक छोटा सा ऐड, तो दोस्तों उसकी भी कलेक्शन लिटरली बता रहा हूँ 100 करोड़ आराम से हो जाएगी, 100 करोड़ आराम से हो जाएगी। ऐसे स्टार इस टाइम पे शाहरुख खान है। एक वक्त में दोस्तों ऐसा आया था, एक दौर ऐसा आया था कि जब सलमान खान की थूती बोलती थी बॉलीवुड में, यानी कि दोस्तों सलमान खान का इतना नाम था कि वो दूसरों की मूवी में दोस्तों जाके कैमियो करते थे और उनकी मूवी जो है बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती थी। उस दौर में भी दोस्तों सलमान खान को एक आदमी से डर था, किससे? शाहरुख खान से, क्योंकि उनको पता है कि मेरा स्टारडम अगर कोई और एक्टर तोड़ सकता है तो वो शाहरुख खान है। भाई टक्कर के मुकाबले में सलमान खान को पता है कि शाहरुख खान के सामने मैं नीचे हूँ और शाहरुख खान ऊपर है। आपने देखा होगा इंडस्ट्री में सलमान और शाहरुख की कितनी दोस्तों लड़ाइयाँ हुई, फिर एक हो गए, फिर लड़ाइयाँ हुई, फिर एक हो गए, अब दोस्तों दोनों एक हैं।
तो अगर आपने ये भी देखा होगा कि सलमान खान की शाहरुख खान के अलावा और भी एक्टर से लड़ाई हुई है, उनका करियर कहाँ गया है? आपको पता है उनका करियर अल्ले बल्ले भी कहीं नहीं दिख रहा। मैं विवेक ओबरॉय की बात करूँ या फिर और भी दोस्तों एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं बहुत सारी, उनका करियर दोस्तों कहीं से कहीं तक भी अभी मुझे दिखता नहीं है। लेकिन शाहरुख खान का पत्ता भी हिला नहीं पाए सलमान खान, क्योंकि भाई उनको पता है कि शाहरुख खान क्या चीज़ है, शाहरुख खान क्या है ये दोस्तों सलमान खान को पता है, स्टार्डम क्या होता है सलमान खान को अच्छे तरीके से पता है। यानी कि दोस्तों सलमान खान की जिस भी एक्टर से लड़ाई हुई, तो सलमान खान ने जो है दोस्तों जिससे भी लड़ाई लड़ी उनका करियर दोस्तों इंडस्ट्री के लोगों ने, नॉट सलमान खान ने, इंडस्ट्री के लोगों ने उनका करियर ही दोस्तों उनको काम ही देना बंद कर दिया कि भाई सलमान खान से इनकी दुश्मनी हो गई है, अब जो है ना काम मत दो। ऐसा दोस्तों र्यूमर्स आते थे उस टाइम पे। मैं उस लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सलमान खान की शाहरुख खान से भी काफ़ी लड़ाई हुई, तो सलमान खान की वजह से या किसी और की वजह से या लड़ाई की वजह से कह लीजिए, शाहरुख खान के करियर पे इतनी सी भी आँच नहीं आई। और आज ये दौर आ चुका है कि सलमान खान भी दोस्तों शाहरुख खान को ये कहते हैं कि भाई वो एक बहुत बड़े स्टार हैं। और वाकई में दोस्तों आज ये बात जाहिर हो चुकी है कि शाहरुख खान एक बहुत बड़े स्टार हैं। और तो और डंकी या कोई और सी भी मूवी होती तो यहाँ पे भाई डंकी ही जीतती। उसका दोस्तों रीज़न ये है कि प्रभास ने एक ही तरीके के दोस्तों रोल किए हैं। आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ, प्रभास के पास जो है ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ एक्शन की है। अगर मैं एक रोमांटिक मूवीज़ की बात करूँ तो प्रभास के दोस्तों हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने कोई रोमांटिक मूवी, जैसे कि शाहरुख खान की है DDLJ, बहुत सारी मूवीज़ हैं यार, बहुत सारी मूवीज़ है शाहरुख खान के हाथ। तो शाहरुख खान के पास हर वो ऑडियंस है जो कि एक मसालेदार हीरो में होनी चाहिए। तो ऑडियंस मेन है भाई, शाहरुख खान या सलमान खान या आमिर खान ये तो सब इंसान है, ऑडियंस जो कमाई है, मैं ऑडियंस कमाने के ऊपर शाहरुख खान को कह रहा हूँ कि शाहरुख खान ने ज़्यादातर ऑडियंस कमाई है, ऑडियंस कमाई है ज़्यादा शाहरुख खान ने। प्रभास की ऑडियंस मैं मानता हूँ उनके पास भी है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी शाहरुख खान के पास है। तो मेन है दोस्तों ऑडियंस, ऑडियंस जिसकी ज़्यादा होगी भाई कलेक्शन उसी को मिलेगी, भले ही कोई सी भी मूवी कहीं भी लगी हो, कितना भी क्लैश हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए। मैं लिटरली आपसे कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको बारीकियाँ बता रहा हूँ कि एक्चुअली में स्टार्डम क्या है, ऑडियंस है। अगर ऑडियंस आपके पास है सेम यार, देखो यूट्यूब चैनल की तरह है, जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस उसके ज़्यादा व्यूज़, क्लियर है, जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस उसके पास ज़्यादा कलेक्शन, क्लियर है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, प्रभास के पास ऑडियंस है लेकिन इतनी नहीं है जितनी शाहरुख खान के पास। अब भले ही वो डंकी के लिए हो, जवान के लिए हो, या पठान के लिए हो, या फिर कोई और सी मूवी हो। और डंकी में अब राजकुमार हिरानी का नाम जो दोस्तों दस्तक दी भाई, वो डायरेक्टर एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि जिनको मुन्ना भाई MBBS से पहले सब लोग कहते थे चलो, मतलब उनको कोई लेता नहीं था, उनको कोई डायरेक्ट नहीं कराता था। मुन्ना भाई MBBS की स्क्रिप्ट शाहरुख खान के भी पास गई थी तो उन्होंने मना कर दी, वो इसलिए क्योंकि ये न्यू कमर थे, इनको कोई जानता नहीं था और इन्होंने कोई भी मूवी डायरेक्ट नहीं की थी, और इनके हाथ में उस टाइम पे भाई पहली मूवी थी। और हर एक्टर यही सोचता है कि मैं एक ऐसे डायरेक्टर को अपना करियर क्यों सौंप दूं जिसने आज तक एक भी, और मुझसे क्या मेरे ऊपर रख के वो जो है आगे बढ़ना चाहता है। तो देखो ये क्लियर है, आज शाहरुख खान उन्हीं डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं जिनको एक बार उन्होंने मना कर दिया था। तो देखो ये एक दौर होता है भाई, दौर ये घूम के आता है, ये दौर दोस्तों घूम के आता है, इंसान को दोस्तों ऊपर वाला बनाता है, ऊपर वाला जिसको चाहे उसको इज्जत दे दे, जिसको चाहे उसको जिल्लत दे दे, ये सब ऊपर वाले के हाथ में। शाहरुख खान को ऊपर वाले ने इतनी इज्जत दे दी और दे भी रहे हैं और देते भी आ रहे हैं भाई, देखो उनको कोई छू भी नहीं सकता। अगर मान लो उनकी डंकी फ्लॉप भी हो जाती है ना, तो भी उनके स्टार्डम में इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी जीरो पे आउट हो जाता है,
तो मैं लिटरली दोस्तों आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हो और आप जो है मेरी बात को गहराइयों से लेके जा रहे हो अपने दिल में, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये क्लैश प्लैश का जो है ये नंगा नाच ख़त्म करो और जो है शांत बैठो। डंकी और सलार क्लैश हो रही हैं तो ठीक है भाई, दोनों मूवी जाके देखो, जिसको जो अच्छी लगती है वो देख लो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात है ही नहीं। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपसे क्लियरली क्लियरली ये कहने आया हूँ कि भाई शाहरुख खान का जो पड़ रहा है वो ज़्यादा भारी है, समझ रहे हो। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रशांत नील को या फिर मैं प्रभास को जो है कमज़ोर कह रहा हूँ, नहीं वो भी कमज़ोर नहीं है, वो भी दोस्तों मजबूत हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से मजबूत हैं। अभी उनको वहाँ तक पहुँचने में, शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी तक पहुँचने में कम से कम अभी 15 साल और लगेंगे। 15 साल के बाद अगर मैं हुआ तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि हाँ आज प्रभास शाहरुख खान के स्टार्डम पे पहुँच चुके हैं। अगर आप मेरी बात से दोस्तों एग्री हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।